हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे यूएई वीज़ा के हवाले से। एक बहुत अच्छी अपडेट सामने आई है, आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, अभी तक आपने सुना होगा कि यूएई का विजिट वीज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है, शारजा से नहीं हो रहा है, दुबई से हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सिस्टम ऑलरेडी अपडेट हो चुका है और अगर आप इंडिया से हैं तो आपके वीज़ा में कोई दिक्कत नहीं है। इवन दो मैं आपको बता रही हूँ, एक दिन में भी विजिट वीज़ा आ रहे हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको एक दिन में भी विजिट वीज़ा मिल सकता है। सिस्टम को बहुत फास्ट कर दिया गया है। लेटेस्ट अभी हाल ही में सिस्टम अपडेट किया गया है जिसमें जैसे वर्क वीज़ा 5 डेज में आ रहा है, ठीक है, वैसे ही विजिट वीज़ा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन का वेट आपको करना है और एक दिन में आ रहा है। सिस्टम ऑलरेडी अपडेट हो चुका है विजिट वीज़ा का, ना मैं वर्क वीज़ा का नहीं बता रही हूँ, वर्क वीज़ा अलग है, विजिट वीज़ा की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, अब दूसरे कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब जो कंट्रीज़ हैं वहाँ का विजिट वीज़ा का क्या है? तो देखिए, इनका भी अपडेट हुआ है, विजिट वीज़ा आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट होना चाहिए। और एक और चीज़ मैं बता दूं, बहुत लोग जब विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उन तब अप्लाई करते टाइम भी आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है 6 महीने से ज़्यादा की होनी चाहिए, वरना आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ये रिजेक्शन का कारण आपको कोई नहीं बताता, लेकिन इसके कारण भी वीज़ा इस समय पे रिजेक्ट हो रहे हैं कि जिस समय पे आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तब भी अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी आप ज़रूर से चेक कीजिए, 6 महीने से कम की है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। सरनेम वाला प्रॉब्लम अभी भी है, वो प्रॉब्लम है तो वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारे केसेस हैं जिनके कारण वीज़ा नहीं आ रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वीज़ा बंद है, वीज़ा आ रहे हैं और बहुत फास्ट आ रहे हैं। अभी जैसे पाकिस्तान बांग्लादेशों की अगर बात करें तो 1 हफ्ते भी लग रहे थे, तो अब वो 1 हफ्ता नहीं लग रहा है, 3-4 दिन में वीज़ा आ जा रहा है। अगर शारजा की अगर बात करें तो शारजा से भी वीज़ा इस समय पे अप्लाई हो रहे हैं, आप लोग चाहे तो शारजा से भी वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थे विजिट वीज़ा को लेकर, जो कि बहुत अच्छे अपडेट्स हैं। ऑब्वियसली सिस्टम अपडेट हुए हैं, बहुत फास्ट हो गया है काम, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपकी होनी चाहिए, रिजेक्शंस अभी भी हैं। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।